आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? मैं ऑलमोस्ट रोने लगी हूँ आज। मुझे इतना प्यार दिया ना आप लोगों ने किचन मेकओवर की वीडियो पे, कि मुझे जो इतनी हेजिटेशन थी वीडियो डालने की, अब मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अरे यार कितना प्यार, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सो मच सो मच सो मच लव टू माई किचन मेकओवर। नाउ आई कैन नॉट वेट टू डू अ जोजो की रसोई का वीडियो इन दिस किचन, जहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में 100 बर्तन और डब्बे नहीं होंगे। दैट यूज टू बी वन रीजन मुझे, मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी जोजो की रसोई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था यार पीछे बहुत ज़्यादा मैस है। वो मैस के होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती थी। और एनी वे नाउ आई कांट वेट, मेन रीज़न था मेरा अभी ब्लॉग ये शुरू करने का यही, कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैंने सोचा यार थैंक यू कैसे बोलूँ आप लोगों को, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग करती हूँ। 12 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है एंड घर का सारा काम निपट गया है, जो सफाई वफाई का होता है। नाउ सिंस कमल इज़ हियर तो आई एम एट ईज, क्योंकि हम काम बांट के करते हैं। कमल के पीछे से बहुत मुश्किल हो जाता था बच्चों को संभालना। एंड देन आई रिमेम्बर जब मैं किचन मेक ओवर कर रही थी ना, तो मेरा गराज सेल भी चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। एनी वे थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग सो मच लव। नाउ लेट्स मीट मिष्टू हु इज स्लीपिंग और बिल्कुल तंग नहीं कर रहा है मम्मा को। ओए मेलो बच्चो, ओए जी ओए जी ओए जी, कहो अच्छी छो ना। आज मिष्टी ने सरप्राइजिंगली सुबह जो रोज़ उठ के हमें तंग करती है ना, मतलब वैसे तो पहली बात तो पूरी रात सोने नहीं देती है। पूरी रात अगर मान लो 10 घंटे की है ना, तो 10 घंटे में तकरीबन 3 से 4 बार मिष्टी उठती है और हमें उठाती है। एंड बेचारी 4 में से 2 बार एटलीस्ट डांट भी खाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग नींद में होते हैं और हमें अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगी, बट इसकी ये आदत नहीं जा रही है। पूरी रात हमें सोने ना देना और बीच में 3 से 4 बार उठाना। आई डोंट नो क्या हुआ। हाँ जी, आपके बारे में ही बात चल रही है। आप उठाते हो ना रात को, तंग करते हो ना, हैं? तो सरप्राइजिंगली कल रात को तो इसने उठाया, लेकिन जो सुबह उठाती है ना 7 बजे के आसपास, आज वो नहीं उठाया। तो आज जब नहीं उठाया तो हम दोनों ही, कमल भी बोल रहा था कि बेबी तूने आज उठाया नहीं, मैं भी बोल रही थी शोना तूने उठाया नहीं आज, तो हम लोगों को थोड़ी टेंशन हो गई कि क्यों नहीं उठाया। बट आई थिंक ठीक है, आई थिंक वो नींद ले रही है छोना मेरा नींद ले रहा है, मेरा छोना नींद नहीं ले रहा है मेरा छोना, या फिर समझदार हो गया है ना, ये भी हो सकता है कि समझदार हो गया है ना। चलो नहीं निकल लो, अब सो जाओ सो जाओ। मैं अभी क्या कर रही थी, मैं कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट्स ले रही थी, कुछ ज्वेलरी वगैरह मेरे को रख के ना थोड़े सुंदर से शॉर्ट्स चाहिए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लेती हूँ। एक्चुअली मैं कोई प्रोडक्ट आप देखते हो अगर ना इस तरीके से, ये देखो ये फ्रेम बनाती हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे रखती हूँ, ऐसे शॉर्ट लेती हूँ। एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स ये होता है। चार्ट पेपर्स आर रियली गुड अगर आपको प्रोडक्ट शूट करना है, तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, जिनको प्रोडक्ट शूट करना है, ये 10-20 रुपए का होता होगा। मैंने तो काफ़ी सारे कलर्स इकट्ठे मंगा लिए थे, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली एक कितने का है, बट ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। और ऐसे एक कोई भी आप सुंदर सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। ये देख लो बुढ़ापा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज मैं सोच रही थी कलर करती हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं नॉर्मल घर में जब भी कलर करती हूँ तो मैं गार्नियर का कलर करती हूँ। गार्नियर का एग्जैक्टली कौन सा है दिखा देती हूँ, बट अगेन कभी भी यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर को इन्फ्लुएंसर को देख के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, सबसे पहले आपको पैच टेस्ट करना है। मैं जो भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ लगाते हुए, कभी भी अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी प्रोडक्ट लो खरीदो, तो प्लीज़ सबसे पहले पैच टेस्ट करो कि वो चीज़ मुझे सूट हो रही है तो आपको हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये है, हाँ इस पे देखो लिखा भी हुआ है, हेयर कलरेंट्स कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, सो एलर्जी टेस्ट मस्ट बी डन 24 आवर्स बिफोर यूज। तो कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ हेयर नहीं, कोई भी स्किन केयर कुछ भी आपको लगे अरे ये यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा है ले लेते हैं, हमेशा कान के पीछे या बाजू पे कहीं पे भी पैच टेस्ट कर लो और फिर यूज कर लो। तो दिस इज द वन दैट आई यूज, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था बैंगलोर वाले ब्लॉग में, क्योंकि ये बहुत काम आता है अगर फॉर टाइम्स लाइक जैसे अब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं अपने आप अपना रूट टच अप जो है ना वो खुद ही कर लेती हूँ। ये देखो बहुत सारे वाइट बाल हैं। एनीवे नाउ लेट्स कलर देम।
और आज मैं कुछ और शूट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आज कलर वलर कर लेती हूँ सो दैट आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियोज फ्रॉम टुमारो. तो या लेट्स गेट इन टू दिस. नखरे कितने हैं तुम्हारे, तुम काम तब करने दोगे जब तुम्हें साथ में मल्ली मल्ली होगी ऐसे. हैं पापा आगे जा, पापा आगे जी. ऑल राइट, कलरिंग इज डन. मैंने कुछ ज्यादा ही कलर तैयार कर लिया था तो मैंने भर लिया है सारे में. वैसे आई डोंट नीड दिस मच, मैं सिर्फ यही करती हूँ. बट एक एक दो दो बाल कहीं ना कहीं दिखते ही थे तो मैंने सोचा अब ज्यादा कलर तैयार हो गया तो कर ही लेते हैं. और मैं कैसी सी लग रही हूँ ना, जैसे व्हाइट बाल हो मेरे पूरे. काफी टाइम हो चुका है लगे हुए, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. आई एम बैक. ओके, जिन लोगों को गराज सेल के बारे में पता है उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, मैं कुछ कुछ महीनों बाद अपनी जो चीज़ें हैं वो डीक्लटर करती हूँ, थोड़ी अरेंज करती हूँ, मेकअप की, ज्वेलरी और ये सब. और जो जो मुझे नहीं चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है किसी और के काम आ सकता है, वो मैं बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे, एक पेज है मेरा गराज सेल का, उस पर दे देती हूँ जिसको भी चाहिए होता है. सो इस बार भी मैंने किया था और मुझे मेरा, मैं 100% सोल्ड आउट थी. मतलब मैंने तकरीबन 100 के आसपास डाले थे प्रोडक्ट्स और सारे के सारे चले गए थे. थैंक्स टू यू गाइस, सारे मेरे सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने ये किया. तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा काम करूँगी उन पैसों से. आई एम नॉट शोइंग ऑफ कि मैंने वो ये किया है किसी के लिए, बट जस्ट अपडेटिंग यू सो दैट यू गाइस ऑल्सो नो किस तरीके से पैसों को मैं यूज कर रही हूँ. वी विल बी बेसिकली डोनेटिंग दीज थिंग्स टू द नीडी वंस. सो दीज आर ऑल द थिंग्स. आटे की थैलियाँ हैं और बिस्किट्स हैं. देन वी हैव टी शर्ट्स जो मैंने XL और L साइज में बनवा ली हैं, जो कि पॉसिबली सबको ही आ जाएंगी, कोई भी पहन पाएगा. सो व्हाट वी डूइंग इज, ये सारा सामान हम जो हमारे घर के आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो जो वॉचमैन हैं उस बिल्डिंग्स के, उन सबको हम लोग बांटने वाले हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इस तरीके से तीन चीज़ों का, लाइक एक बिस्किट का पैकेट, एक आटे का और एक टी शर्ट, इस तरीके से ये बना रही हूँ बंडल्स. क्या हो रहा है, तुम छोड़ोगे तकियों से खेलना कि नहीं? क्या पूछ रही हूँ मैं, क्या पूछ रही हूँ मैं? अब ये ऐसा फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है प्यारा सा. अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बनाने से मुझे याद आया कि अभी किचन में ऑलरेडी थोड़े थोड़े चेंजेस होने लग गए, मतलब एडिशन करने लग गई हूँ, लाइक कोई चीज़ मिल गई. अब जैसे मुझे ये ना बहुत पहले से, ये मैं एक रोड ट्रिप पे गई थी बंसी अपनी फ्रेंड के साथ, तो रास्ते में से आते हुए ये लेके आए थे हम लोग ये टांगने के लिए किल्ली. तो मैंने ये टांग दी और इस पे टावल वगैरह जो भी, और किचन टावल वगैरह सब इस पे टांग दिए. और ना यहाँ पे कील जो है ना वो सही इसके हिसाब से नहीं लगे हुए थे, तो मैंने ये अंदर ऐसे डाल के, ऐसे डाल के ऐसे टांग दिया और अब यहाँ पे ऐसा रही है. मैं धीरे धीरे एडिशंस तो डेफिनेटली करती रहूँगी किचन में, बट एक बार के लिए मेरे पास जो बजट था ना उस हिसाब से मैंने किया. अभी मुझे कोई चीज़ पसंद आएगी छोटी मोटी तो वो कभी मंगवा ली या ले आई तो ठीक है, और कोई घर से ही मिल गई पड़ी हुई. अब जैसे ये मुझे मिली पड़ी अंदर, तो मैंने कहा अरे यार ये मैं कैसे लगानी भूल गई, तो मैंने यहाँ पे लगा दी. आई थिंक बहुत अच्छी काम आएगी ये, यहाँ पे सब टॉवल वगैरह यहाँ टंग जाएंगे. चाय बना रहे हैं अब हम हमारी न्यू किचन में. मैं तो बहुत दिनों से बना रही हूँ, आपके पास वीडियो अब पहुँची है, लेकिन किचन तो तैयार, तो ये जो भी मैंने किया है बहुत दिन पहले का हो गया. आई थिंक एक हफ्ता हो चुका है तब से मैं, पता ही है आपको. अभी तो ये मैंने जो किचन के उस पर खर्चा किया ना, ये तो सारा, मतलब सिर्फ किचन पे लगना था, लाइक अलमारी शेल्फ एंड ऑल दैट. अभी तो मुझे किचन के सारे बर्तन खरीदने हैं, बिकॉज ये बर्तन हमारे जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो आई हैव टू बाय न्यू कुकर, कढ़ाई, सब कुछ.
तो मेरे को उसके लिए भी बजट अपना अलग से निकालना है, सो दैट ऑल्सो हैव टू डू. तो उसका भी जल्दी हॉल करेंगे, कुकर कढ़ाई का. आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइस कि मैंने क्या खरीदा है. सो वो भी व्लॉग जल्दी आएगा. एनीवे चाय बनेगी, मैं अब चाय इन्जॉय करूँगी थोड़ी देर, और मेरे को एक वीडियो की एडिटिंग करनी है फिर. और लेट मी नो गाइस इन द कमेंट्स कि किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो नेक्स्ट. यस आई नो आई आस्क फॉर सजेशंस एंड समटाइम्स आई डोंट डू इट, बट ट्रस्ट मी आपकी सजेशन अगर मैं पूरी नहीं कर रही हूँ ना, ज़रूर उसका कोई रीज़न है. आई लैशेज की वीडियो, आई नो आप मुझे कितने टाइम से बोल रहे हो कि आई लैशेज पर वीडियो बनाओ. आई टेल यू द रीज़न वाई आई एम नॉट मेकिंग आई लैशेज, कैसे लगाते हैं उस पर वीडियो, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ फ्रेश पेयर ऑफ लैशेज. And if you want to give a tutorial of how to put false eyelashes, you have to have a fresh pair of eyelashes because आपको उसको काटना भी सिखाना है कि कैसे काटना है, कितना काटना है. तो मैं ऑर्डर करूँगी जल्दी ही. पहले मेरे काम की चीज़ें इतनी सारी थी ना ऑर्डर करने वाली कि मैं अब ये भी धीरे धीरे करना शुरू करूँगी. सो आई हैव टू ऑर्डर आई लैशेज. उसके अलावा इस वीडियो के कॉमेंट्स में आप ज़रूर बताना किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो आप. एंड येस जिन लोगों को लग रहा है कि किचन मेकओवर के बाद मेरा मेकओवर सीरीज बीन्स एंड ड्रीम्स खत्म हो गया, वो बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी मेरे दो बाथरूम्स हैं घर में जो पड़े हैं. तो नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन बाथरूम कि मुझे किस तरीके का क्या क्या सामान खरीदना है, एंड देन विल डू दैट मेकओवर ऑल्सो. चलो मैं चाय पीती हूँ, बहुत अच्छे से कड़ गई है. क्या चाहिए? हाँ जी हाँ जी, मिष्टी स्पीड देख रहे हो इसकी, एटम से तो एटम के तो ऊपर से कूद के आ जाती है. ये देखो उसको धक्के मार के आती है, मैं मारूंगी तेरे. अटू आ जा सोना, अटू ए मिस्टी नो अटू. क्या प्रॉब्लम है अटू? अटू गंदी 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 लालची, प्यार की लालची. अटू 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 गुस्सा किस बात का है? किस बात का गुस्सा है? क्यों तेरे को ही क्यों करूं सिर्फ एटम. ऑल राइट क्विक अपडेट ऑन बिग बैंग थियरी. मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आई थिंक कि मैंने शुरू किया हुआ है. तो मैंने 7th तक देखा होता मैंने बताया था, और उसके बाद का मैंने अब शुरू किया था. तो अभी मैं 11th सीजन पे पहुंच गई हूँ, उसके 5th एपिसोड पे. तो 12 है आई थिंक इसके टोटल. तो मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लूँगी.